अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज मैं एक ब्लॉग बनाना जा रहा हूं बबू राणा साहब जो कि आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। बबू राणा जी ने एक ब्लॉग बनाया है नसीम विकी साहब के हवाले से कि नसीम विकी साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं। 2005 में उन्होंने पहली बार जब लाहौर में ड्रामा किया बबू राणा जी ने, तो नसीम विकी साहब डायरेक्टर थे जिसमें जफरी खान साहब, ठाकुर साहब और एक दो फनकार थे और इनको उन्होंने मेन पर रखे साथ काम करवाया था, बड़े एहसान जितलाए। बबू राणा साहब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने नसीम विकी साहब के एहसान जितलाए। एहसान मानना एक अच्छी बात है, एहसानमंद इंसान को होना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। राणा साहब आप एक खानदानी आदमी हैं, आपका यही बनता था कि आप एहसान फरामोश ना हो और आपने बताया कि उनके मुझ पर एहसान है, लेकिन छोटी सी आपसे मिस्टेक होगी, काश कि ये एहसान आप तब जितलाते जब अली हसनैन ने नसीम विकी साहब के हवाले से एक व्लॉग बनाया था और उसमें बहुत ज्यादा तलख बातें की थी। तब आप खामोश से 3 से 4 दिन या इससे कमोबेश जब व्लॉग चल गया उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, नसीम विकी साहब तो मेरे सीनियर हैं। तब याद आया जबकि नसीम विकी साहब ने एक व्लॉग में कहा कि बाप बाप होता है, तब याद आया कि नहीं मेरा कोई बाप भी है। उस्ताद बाप की जगह होता है, सीनियर बाप की जगह होता है। हम शोबिज से रहते हैं, शोबिज में जो टीचर होता है, जो डायरेक्टर होता है, कैप्टन और बाप होता है। तो आपने व्लॉग बनाया बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन काश के यही व्लॉग आप अली हसनैन के बारे में बनाते कि अली हसनैन साहब आपने नसीम विकी साहब के बारे में जितनी बातें की बड़ी गलत बातें की हैं, वो मेरे मोहसिन है और मैं उनकी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप मान तो गए कि नसीम विकी साहब आपके सीनियर हैं, विकी साहब के आप पे कुछ एहसान है। एक एहसान आप और करें, अली हसनैन ने जो व्लॉग बनाया उसके खिलाफ भी एक व्लॉग बनाया कि अली हसनैन जो नसीम विकी साहब के बारे में बातें की वो गलत की, उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये लिख कर बता सकता हूँ बल्कि लाइव बता रहा हूँ कि आप अली हसनैन के खिलाफ व्लॉग नहीं बनाएंगे। जितनी भी अंदर की बातें हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्यों नहीं व्लॉग बनाएंगे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और एक और बात, आपने यूट्यूबरों पे थोड़ा सा अटैक किया, यूट्यूबरों पे आपने थोड़ा सा एतराज किया कि कुछ यूट्यूबर थंबनेल कुछ और बनाते हैं और वीडियो कुछ और बनाते हैं। मैंने एक यूट्यूबर को अपने इंटरव्यू दिया और उसने कोई थंबनेल गलत लगाया, मैंने कॉल करके उसका थंबनेल चेंज कराया और उसको मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद दोबारा मैंने काम नहीं किया। और वो यूट्यूबर कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसकी तमाम चैट मेरे साथ मौजूद है, जो जो आपने कही और ऑडियो मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप खुद व्लॉग बना के बताएं कि वो यूट्यूबर कौन है मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा। और दूसरी बात, बबू राणा साहब आपने मुझे एक इंटरव्यू दिया था और उसमें बहुत सारी बातें की थी आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से, बड़ी बड़ी बातें की थी। जब हामिद रंगीला साहब आफ्ताब इकबाल साहब के पास गए तो मैंने आपसे पूछा था कि हामिद रंगीला साहब आफ्ताब इकबाल साहब के पास गए तो इसके बारे में आप क्या कहते, तो आपने कहा था जड़े अंब मैं चूपे ने वो भी जाके चूप लेन। अब पता नहीं वो कौन से मैंगो हैं जो आप वहां से निकालने गए कि उन्होंने कहा जी बब्बू राणा आएगा तो वह मैंगो चूपेगा। मैं इस बात पर इतराज नहीं करता, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सुलह भी होती रहती है। आपकी ही टीम में बड़े लोगों ने कहा कि जहां की खोती वहां खड़ोती, मैं इस बात को भी डिस्कस नहीं करता। लोग फन में मजाक में ये बातें करते रहते हैं, मुझे सिर्फ इस बात पे एतराज है कि जब आपने नसीम विकी साहब के हमायत में व्लॉग बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन काश आप अली हसनैन के बारे में भी व्लॉग बनाए कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने नसीम विकी साहब के हवाले से जितनी भी बातें की वो तलख है, वो बुरी है। मुझे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप एक खानदानी आदमी है, एहसान फरामोश नहीं है। मेरे व्लॉग में अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिली तौर से आपसे माफी चाहता हूं कि बब्बू राणा साहब आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे कुलीग भी हैं, हमने बहुत ज्यादा काम भी किया है और बहुत सी बातें हैं कि जो मैं अभी नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपने कुछ यूट्यूबर पर अटैक किया था, उस वजह से मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ा कि यूट्यूबर आप भी यूट्यूबर हैं और आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं वो भी यूट्यूबर हैं और उनका भी कोई सेटेलाइट चैनल नहीं है, वो भी यूट्यूब पे भी काम करते हैं। तो लिहाजा यूट्यूबर को कुछ कहने से पहले देख लिया करें कि आप भी उसी घड़े की मच्छी हैं जिस घड़े की हम मच्छी हैं। तो नसीम विकी साहब की लगता है आपको बातें थोड़ी बुरी लग गई हैं या अली हसनैन साहब को बुरी लग गई हैं या उन्होंने एक बात की कि अगर आप अपने किसी बाप को मनवाना चाहते हो, मैं उस बाप को नहीं मानता, तो इसमें उनका क्या कसूर, शायद ये बात बुरी लगी है जिस वजह से आपने ब्लॉग बनाया।
मुझे खुशी हुई आपका व्लॉग देखकर और सुनकर, और मैं इंतजार करूंगा कि अली हसनैन के उस व्लॉग के हवाले से जो नसीम विक्की साहब के बारे में बनाई, कि जल्दी आप उनके खिलाफ एक व्लॉग बना के और खानदानी और बहादुर उनका सबूत देंगे कि अली हसनैन ने जो नसीम विक्की साहब के बारे में बात की वो गलत है, उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें माजरत करनी चाहिए। अली हसनैन साहब, मैं आपसे भी माजरत खाऊं अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बबू राणा साहब और जितने भी लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपको मेरी बातों से कुछ एतराज होगा, कुछ अच्छी होंगी बुरी होंगी, तो ताकि मैं आपका कमेंट्स देख सकूं और आपसे बात कर सकूं। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।